विपक्षी वजीर अली जैदी ने सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मनशियात फरोश इस मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मेरी दरखास्त है उजैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। वफाकी वजीर अली जैदी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा है कि मनशियात फरोश इस मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उजैर बलोच कई साल से कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। उजैर बलोच को इस्तेमाल करने वाली ताकतवर सियासी शख्सियात आजाद हैं। अली जैदी ने कहा कि मैंने अपने मुल्क और दहशतगर्दी का शिकार लोगों के लिए अपने हिस्से का काम कर दिया। मैंने ये काम करने के लिए अपना सब कुछ खतरे में डाल दिया। मुझे और मेरे खानदान को धमकियाँ दी गयी। मैं मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊँगा। उम्मीद है अदालत इंसाफ करेगी। अली जैदी ने कहा कि मेरी दरखास्त है उजैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। उजैर बलोच अगर सिंध पुलिस की तहवील में रहा तो इसे ताकतवर माफिया से खतरा है। उजैर बलोच भी यही खदशा JIT रिपोर्ट में जाहिर कर चुका है।